तो ये मेरा आज का होटल है, मेरा रूम नंबर है 2151। ये कोई क्लीनिंग करने के लिए उनका कार्ट था, उनका गाड़ी अपना है 2151। और ये कार्ड है, इसको इसमें डालना है और ये ग्रीन कलर में ओपन हो गया। ओके, मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ इसलिए मेरा बैग्स आपको दिखेगा, अदरवाइज़ ये मेरा रूम है, बीच फेसिंग रूम है। इससे हम बाहर जा सकते हैं बालकनी में, बाहर तो बारिश हो रहा है। तो ये मेरा होटल रूम है, पार्शियल व्यू आपको दिख रहा है। एक आईना है और यहाँ पे ऑफ कोर्स कॉफ़ी मशीन है, माइक्रोवेव और नीचे फ्रिज है। और लेफ्ट साइड में इस तरफ बालकनी और ये एक विंडो है बड़ा सा, लंबा सा, और यहाँ पे हीटर और एसी वगैरह है। तो मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पे एक कॉफ़ी बनाने के लिए, तो सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए, देखते हैं इस मशीन में कॉफ़ी अच्छा बनता है कि नहीं। तो यूजुअली ये मशीन है और ये जो है ब्लू सॉरी ग्रीन और ऑरेंज कलर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी है, एक डीकैफ है और ये रेगुलर है। और इन लोगों ने ये मिल्क का छोटा सा पैकेट ऑलरेडी इनके साथ रखे हैं, ये ऑरेक है, ये पीछे उन लोगों ने दिया होगा, हाँ इसमें होता है, इसमें शुगर है और कॉफ़ी हिलाने के लिए स्टारर, सब कुछ इसमें होता है। तो ये है छोटा सा कॉफ़ी मशीन, तो देखते हैं मैं इसमें कॉफ़ी बना पाता हूँ कि नहीं। तो ये मैंने पानी लाया और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालता हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना सा डाला, देखते हैं कैसा होता है। इसको कवर कर दिया, ये वाले पैकेट में लेता हूँ जो रेगुलर है, ये मैंने ओपन किया और इसके अंदर ऐसा एक ट्रे रहता है और ऐसा एक पैकेट रहता है, इसके अंदर ही कॉफ़ी का बीन्स के पाउडर इसके अंदर है। तो ये बीन इस ट्रे में जाता है और ये ट्रे जाता है इसके अंदर, कॉफ़ी मशीन के अंदर, ऐसे इसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कॉफ़ी है, कॉफ़ी बीन्स, अभी नीचे एक ग्लास में रखता हूँ और ये स्टार्ट। तो थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा और कॉफ़ी बीन्स को भिगो के वो पानी इस ग्लास में आएगा। पानी पीछे गर्म हो रहा है और ये विद इन अ मिनट ये हो जाता है, कॉफ़ी तैयार होता है। ओके, तो ये पानी गिरना चालू हो गया, तो ये एक्चुअली कॉफ़ी गिर रहा है और कॉफ़ी की खुशबू आ रही है ऑलरेडी। तो एक बार पानी सारे नीचे आ जाए कॉफ़ी, फिर दिखाते हैं। तो उसमें मैं अभी थोड़ा सा मिल्क डालूँगा और थोड़ा सा इसमें शुगर भी डालूँगा, एक पैकेट ही डालता हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि क्वांटिटी भी काफ़ी कम है। और ये उसी पैकेट में ये स्टारर है। तो ये हो गया मेरा कॉफ़ी तैयार। वैसे कॉफ़ी काफ़ी अच्छा बना है और इसके साथ कॉफ़ी के साथ ये है कुरकुरे, कॉफ़ी और कुरकुरे, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया अभी अभी, तो बहुत जल्दी से बता देता हूँ,
मैंने यहाँ पे एक बर्गर ऑर्डर किया है और एक फ्राई, आलू का फ्राई, और ये लेजर बियर। इनका हैप्पी आवर चल रहा है। हैप्पी आवर में ये लोग सारे आइटम्स के दाम कम करके रखते हैं। रेगुलर डे में भी अराउंड 4 बजे से शाम के 7 बजे तक जब लोग कम आता है, तब ये लोग अपने रेस्टोरेंट्स में, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में दाम कम करके रखते हैं ताकि लोग आए और इनका बिजनेस चले। लेकिन क्योंकि आज 31st नाइट है, यहाँ पे 2017 का 31st नाइट, ये लोग फुल नाइट सारे आइटम में हैप्पी आवर लगा के रखे, तो इसलिए ये जो बियर यूजुअली $4-5 का होता है, ये आज मुझे $3 का मिला, जस्ट $3। तो मैं अपने ऑर्डर के लिए वेट कर रहा हूँ। कुछ 5-10 मिनट में वो लोग बुलाएंगे मुझे, तो मैं जाके वो कलेक्ट करूँगा और रूम में जाके खाऊँगा। तब तक चेयर्स। ओके, फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया। ये मेरा ऑर्डर है, तो मैं जल्द से रूम में जाता हूँ और खा पी के सो जाता हूँ। कल सुबह फिर मिलेंगे। बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी अभी नींद से उठा। आज मौसम कल से अच्छा है, कल से बेहतर है। देखते हैं बाहर का नज़ारा क्या है। सनी तो है, थोड़ा सा सन तो निकला है, लेकिन ओवरकास्ट है वैसे। चलिए बाहर चलते हैं। हाँ, ठंड तो है, ऑलमोस्ट कल जैसा ही। हवा भी चल रहा है कल जैसा। हवा चल रहा है इसलिए थोड़ा ठंड लग रहा है, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम नहीं होता उतना। आज हम लोग उस पियर में तो ज़रूर जाएंगे, और बीच में भी आपको दिखाएंगे नज़ारा। पानी भी ठंड है वैसे, ज़रूर ठंड होगा, इसलिए एनीवे ज़्यादा लोग नहीं है, और जो भी है वो कोई भी पानी में जा नहीं रहे क्योंकि पानी ठंड है। ठीक है, तो आई विल गेट रेडी एंड आई विल गो टू द बीच एंड शो यू देयर। तो ये मैं अपने होटल से बाहर आया। बाहर थोड़ा हवा है, शायद आपको थोड़ा वॉइस में हवा का साउंड आएगा, लेकिन एक चीज़ मुझे दिखा इसलिए मैंने रुक गया, सोचा आपको दिखाऊं। यहाँ पे आपको कुछ छोटे पौधे दिखेंगे। ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, ब्लैक कलर के, इनके फल हैं। अगर आप देखेंगे, मैं जितना हो सके सामने जाऊंगा, अगर आप देखेंगे ये जो इससे हैंग हो रहा है ना, ये बर्फ़ है, ये सारे बर्फ़ है। ये जो यहाँ पे हैंग हो रहा है, ये या फिर ये हो, अगर मैं तोड़ लूँ एक, आप देखेंगे कि ये बर्फ़ के टुकड़े हैं। तो होता क्या है, रात को यहाँ पे बारिश हुआ और साथ में ज़ोर से हवा भी चल रहा था, तो इसमें वो पानी जम के बर्फ़ हो जाता है। जो भी पानी इस फल से टपक के गिरने चाहते हैं धीरे धीरे, वो सारे पानी हवा के वजह से सॉलिड होके बर्फ़ हो जाते हैं। और ऐसे सारे पेड़ में, सारे पौधों में ऐसे लगे हुए हैं, आपको देख सकता है। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ मुझे लगा। ये कहीं भी हो सकता है, खाली फल में नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर में, या जहाँ से भी पानी टपक रहा हो और टपकने का चांस हो उसमें हो सकता है। चलिए अब बीच फ्रंट में जाते हैं। मौसम अच्छा है, थोड़ा हवा है, चलेगा। आज आपको थोड़ा अलग ही नज़ारा दिखेगा। देयर इट इज सनी बीच। अगर सामने आपको मुझे, सॉरी, आपको अगर सामने ट्राईपॉड दिख रहा है, वो मेरा ही है। मैं थोड़ी देर पहले बीच में आया था, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया और फिर मैं वापस गया अपना ये कैमरा लाने। तो ये नज़ारा है, देखिए। फिर आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करके दिखाऊंगा। थोड़ा रिस्की है, थोड़ा जोखिम है उसमें, लेकिन फिर भी मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ, मुझे मज़ा आया, तो मैं सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं।
मैं काफ़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करता रहता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे टाइप के लेंसेज कैमराज हैं। अगर आपको दिख रहा है, ये एक काफ़ी बड़ा वाला लेंस है जिसमें वाइल्ड लाइफ फ़ोटोशूट होता है, बर्ड फ़ोटोशूट भी अच्छा आता है इसमें, काफ़ी लॉन्गर रेंज है इसका। तो इसी से मैं इधर बैठ के बर्ड्स के फ़ोटो ले रहा था, और भी लूँगा वैसे, लेकिन उससे पहले आपको बीच दिखाने लाया। ओके, मैं ये रख देता हूँ नीचे ताकि आपको ढंग से दिखा पाऊँ। मेरे कंधे में एक बैग भी है और आपको दिखेगा ये बर्ड्स, देखिए एक दो करके मेरे तरफ आ रहे हैं। शायद आपको अभी लाइट के एग्जैक्टली ऑपोजिट में है, तो मैं साइड करके दिखाता हूँ तो शायद अच्छा व्यू आएगा। और ये बर्ड्स डरते नहीं हैं, देखिए मैं इतने पास में हूँ फिर भी ये डरते नहीं हैं, ये एकदम पास में आ जाते हैं। और इधर और भी सारे बर्ड्स हैं, सारे समुद्री पंछियाँ हैं, तो मोस्टली गल टाइप के हैं, सी गल्स और उनके ही स्पीशीज़ के सारे अलग अलग प्रजातियाँ। छोटे मोटे और भी बर्ड्स हैं जैसे मैं कल दिखा रहा था। तो ये रहा समुंदर, गल्फ ऑफ मेक्सिको। आज 1 जनवरी है 2018, तो नए साल की आप सबको मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा उस पियर में और आपको नज़ारा दिखाऊंगा। मेरे पास एक ड्रोन भी है, उस ड्रोन से भी मैं वीडियो लेने की कोशिश करूंगा इधर या फिर उस पियर में। नहीं तो बस ये, बस नज़ारा देखिए, नेचर, साउंड, वाटर, स्काई, अलग अलग कलर्स, कितना खूबसूरत। ओके, चलिए तो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ जो मैं आपको बोल रहा था मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जो थोड़ा रिस्की है, और वो है इन बर्ड्स को खाना खिलाना। ये बर्ड्स काफ़ी चालाक और चतुर हैं। जैसे मैं आया आपको दिखाता, एक दो बर्ड्स मेरे पास चलते चलते आ गया था, है ना, क्योंकि उनको पता है मैं एक बार पहले भी आया था और उनको खाना खिलाया था, तो उनको पता है ये बंदा फिर से आया है और शायद फिर से खाना खिलाएगा। तो चलिए इनको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं मैं खाना निकाल ही रहा हूँ और ये लोग मेरे पास आ गए हैं, इन सबको पता है क्या होने वाला है। तो जब भी मैं सही में खाना निकालूंगा और इनको देने की स्टार्ट करूंगा, तब आप देखेंगे दूर दूर से और भी बर्ड्स सब मेरे पास आ जाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। ये मेरे पास खाना है और ये ऐसे दौड़ दौड़ के उड़ उड़ के आते हैं और हवा में ही ये लोग खाना ले लेते हैं। ये देखिए, और अब मेरे पास और खाना अगर नहीं है तो मैं हाथ ऐसे इनके सामने हिला रहा हूँ तो इनको पता है कि और खाना नहीं है इनके पास, तो आके शांति से फिर से बैठ गए सामने। और इधर देखिए कुछ कबूतर भी आए मेरे पास, मेरे पैर के सामने, इतने सारे कबूतर मेरे पैर के सामने, इनको भी खाना चाहिए। मेरे पास एक और लास्ट है, एक लास्ट और पीस है जो मैं देने की कोशिश करूंगा इन लोगों को। ये मेरा बैग है, वैसे कुछ कबूतर को पता चल गया शायद मेरे बैग में कुछ खाना है, उनको भगाते हैं वहाँ से। और मैं फिर से एक बार इसको ट्राई करूँगा वीडियो करने के लिए, लेकिन इस बार मैं हैंड हेल्ड वीडियो कैमरा से नहीं, मैं ट्राईपॉड में कैमरा रख के आपको दिखाऊंगा, तो शायद और मज़ा आएगा। Thank you.
दोस्तों ये मैं आ गया पियर में, काफ़ी धूप है वैसे, सन यहाँ पे है, तो इस तरफ चलते हैं। सामने आपको जो घर दिख रहा है वो एक्चुअली वहाँ पे फिशिंग फीस लेते हैं, तो आपको अगर फिशिंग करना है तो फीस डाल के वहाँ पे टिकट लेके फिर आपको आगे जाना है। यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं, टैटू, बॉडी आर्ट, इवन हीना। तो वैसे यूएस में हीना करना भी बहुत पॉपुलर है, लोग यहाँ पे मेहंदी को हीना ही बोलते हैं, तो या तो हीना या फिर मेहंदी जो भी हो, लेकिन ये लोग हीना ही बोलते हैं इसको। और हीना का टैटू, हीना का डिज़ाइन, बॉडी आर्ट काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे लिखा है स्लाइड, इस डोर को स्लाइड करना है। ओके, बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिशिंग करने की चीज़ें मिलते हैं, फिशिंग रॉड्स, बेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें। तो हमें सीधा जाना है और उस पार एंड ऑफ द पियर है। तो उस जगह मुझे थोड़ा फ़ी देना पड़ा, $2 फी उस काइंड ऑफ गेट पास को पास करने के लिए। But that's okay. Once you come here with $2, you can spend as much as time you like. Entire day, आप चाहो तो spend कर सकते हो। ओके दोस्तों, सो आज का ट्रिप इधर ही ख़त्म हुआ। मैं अभी घर लौट रहा हूँ, बैक टू अटलांटा। काफ़ी लंबा ड्राइव है, तो फिर मिलेंगे कहीं और, कुछ और दिखाते हुए, कुछ और आपसे शेयर करते हुए। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, नया देखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट और शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते।